तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सब लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2020 के बारे में। जैसा कि आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि नीट 2020 के लिए फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हो गया है। तो क्या कुछ इसका प्रोसेस है, हालाँकि वीडियो थोड़ा डिले हो गई है। जैसा कि आपको पता होगा, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, अभी भी एग्ज़ाम है, लेकिन बीच में कुछ काफ़ी लंबे दिन का गैप है। इस वजह से जो आप लोग, कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्हें नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि नीट 2020 के लिए फॉर्म ऑनलाइन होना चालू हो गया है। इसका क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और तो बहुत लंबा इसका जो है कि PDF वगैरह है इसका जो नोटिफिकेशन है, लेकिन फिर भी हम कुछ डिटेल बात करते हैं ताकि आप लोग एक अंदाज़ा हो जाए कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन कीजिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे कि MBBS, BDS या फिर आयुष के कोई डॉक्टर, जैसे कि BAMS या फिर BHMS, BUMS, कुछ भी आप कोर्स करना चाहते हैं, लाइक कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कीजिए। और डॉक्टर बनने के लिए जो है सबसे पहला स्टेज है, जैसा कि आपको पता होगा, नीट का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ क्या बेसिक जानकारियाँ हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सबसे जो है कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी में। तो सबसे पहला जो आपका है, एज 17 साल होना चाहिए, 17 साल प्लस होना चाहिए आपका एज जो है कि। इसका जो PDF है, एक जो दिख रहा है आपको, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हालांकि आप पूरा स्क्रीन पे भी देखिए, लेकिन इसको मैं PDF में दे दूंगा और लंबा चौड़ा जो है आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो पहले आप थोड़ा सा शॉर्टली में इसको देख लीजिए, क्योंकि 31/12/2003 से अगर पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका 30/12/2003 और 2003 का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। 17 साल आपका एज का रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम आपका जो है कि 25, 17 से लेकर 25। हालांकि इसके लिए जो है कि हाई कोर्ट में कुछ चल रहा है लफड़ा, इसका पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ। अगर आपका 30, 32, 31 साल का एज है, फिर भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, अभी तरह से पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ है। यह शॉर्टली में जानकारी था, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो PDF को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है इसका ऑफिशियल लिंक भी मैं दे दूँगा। और इसके साथ ही आपका 12th कम्प्लीट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि मतलब कमेंट करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले भी डॉक्टर बन सकते हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन ये जो MBBS या फिर जो आपका BDS या फिर BAMS या फिर BUMS होता है, ये नीट के थ्रू आप डॉक्टर नहीं बन सकते। जैसे कि लाइक बी फार्मा करके जो है फार्मासिस्ट बन गए डॉक्टर, आप फार्मेसी तो वो भी एक डॉक्टर हो गए, तो इस तरह के डॉक्टर बन सकते हैं जो मैथ वाले स्टूडेंट है। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है रिक्वायरमेंट है 12th में आपका, और 50% मार्क्स होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट को मिला करके। तो एक छोटा सा जानकारी रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो फ्रेंड्स, अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, और आपका 50% से ज़्यादा है और आपका एज भी 17 साल से ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। 17 से लेकर 25 का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा है, फिर भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरी तरह से इसका कन्फर्म एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है जो है कि मैक्सिमम एज लिमिट, लेकिन फिर भी नीट का जो है पहले से 17 से 25 था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इसका कुछ चल रहा है लफड़ा, वो मैं आपको बता ही दिया। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका जो है कि जो लास्ट डेट है वो आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पे है 1 जनवरी है 2020, और 2 दिसंबर को ये ऑनलाइन होना चालू हो गया था। हालांकि वीडियो काफ़ी डिले हो गई है, फिर भी मैं आपको एक नॉर्मल सा जानकारी देता हूँ। और भी अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो PDF चेक कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। और बारे में बात करते हैं इसके फ़ी के बारे में, तो अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 1500 रुपये, अगर आप OBC से हैं तो आपको 1400 रुपये, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपका 800 रुपये यहाँ पर लगने वाला है। और इसका जो फ्रेंड्स है कि आपका जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, जैसे कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसका 3/5/2020 यहाँ पे दिया हुआ है, जो इसका मैक्सिमम जो है कि जो है ड्यूरेशन एग्ज़ाम का रहेगा वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2 से लेकर 5 बजे तक, और इसमें ज़्यादातर जो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह का इसका कुछ जो है कि डिटेल है फ्रेंड्स। और भी आप जो जानना चाहते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को बनाने का कोई मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो
जो है यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मुझे भी नीट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं अब इसी बात जैसा कि आपको पता है सब, मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। और भी अगर जो आप लोग 12th लेवल के हैं जैसा कि फार्मेसी करना चाहते हो, तो आप नीट का भी एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप डॉक्टर बनने का इच्छा रखते हैं तो आप एक बार ट्राई कीजिए, हो सके शायद अगर आपका निकल ही गया तो फिर अच्छी बात है, अगर आप तैयारी वारी किए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी किए हैं फिर भी आप एक आध बार ट्राई कर सकते हैं। तो यही रहा फ्रेंड्स इस वीडियो में, और भी आप जानकारी चाहते हैं तो यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, आपको और भी बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।